बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर हाथरस से है, जहां सादाबाद थाना क्षेत्र के नगला ठाणा गांव से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। दरअसल आरोपी पिता ने अपने 3 साल के बच्चे को ईंट से वार कर मार डाला। इतना ही नहीं, बच्चे की हत्या कर उसने अपनी पत्नी की भी हाथ की नस काटी, जिसे वहीं इलाज के दौरान उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी की मानसिक स्थिति खराब है। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। क्या नाम है उसका जिन्होंने ईंट मारी है? चौहान सिंह। अब आते का चू नहीं, अब आराम से खेत में आयो, काम करी के बजो, और मैं बैठे हूँ मैं के गए में बड़ी शांति है, बनो घर वांगे तो आप की लगाई आ रही हूँ मैं, क्या देखे ना आए तो बस अगर सब बस रह पाई गई। कमरा बंद कर लिया ना? कमरा बंद कर लो तो उसका लगा नहीं, बहू बैठे चुरा जाएगा। और आपकी बहू के भी हाथ काट दिया है क्या? बहू को हाथ काट दिया, चाह नहीं हुई चुरा जाएगा। ये किट्टू जो है, ये कितना कितने मारा किट्टू को? बाकी पापा जी भाई जो है चौहान सिंह पुत्र दीवान सिंह काफी समय से मानसिक रोगी है, जिसका इलाज आगरा में चल रहा है। पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए अभियुक्त चौहान सिंह पुत्र दीवान सिंह को हिरासत में लिया गया है एवं पूछताछ की जा रही है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।